हेलो एवरीवन क्या मेरी आवाज आवाज दो हमको हम खो गए कब नींद से जागे कब सो गए आवाज दो हमको हम खो गए चलो शुरू करते हैं आज चैप्टर खत्म हो जाएगा बेबी जान बेबी जान हे माफी कर कुछ भी निकल गया मुझसे <laughs> गलती से निकला <laughs> सॉरी <laughs> <laughs> एक गलती से निकला यार तुम लोग क्या यार गुंडा बनोगे ऐसे आवाज दो हमको हम खो गए कब नींद से जागे हम खो गए

और निकल गया तो अब निकल गया आप क्या कर सकते हैं अब मेरी गलती थोड़ी है यार हाँ आजकल बहुत पब्लिकली निकल रहा है यार क्या करें यार लोगों ने आदत तो लगा दी है श्वेता कहती है अरे चलता है यार चलता है क्या बात गाइस प्रशांत भैया ओपिन द चैट वाह एक ने मस्त लिखा फिक्र करता हूं क्योंकि फिक्र से होता है क्या अच्छा ओके okay. फिक्र करता है क्यों फिक्र से होता है क्या कर ले खुद पे भरोसा और देख होता है क्या क्या बात है एक को स्वतः जीवा पर शिका थोड़ी सी फाटेल पण अभिमान वाटेल <laughs> ये क्या लिखा है भाई स्वतः जीवा पर शिका थोड़ी सी फाटेल पण अभिमान वाटेल <laughs> पर फटी नवाबी ना घटी <laughs> लिख रहा है कि हमारे में ऐसा कहते हैं फटी तो फटी पर नवाबी ना घटी हाँ <laughs> नहीं तो चलो ठीक है चलो ठीक है शुरू करते हैं लेट्स बिगिन <laughs> बेटा आजा कौन था ये लिख रहा था मनीष कहता है कई लास्ट लेक्चर है खत्म हो जाएगा कंपनी जात रहा तुमी। असाल वर्क फ्रॉम होम यानी कंपनी गेली असेल गुजरात मधे क्या लिख रहा है कुछ भी लिख रहा है चलो ठीक है तो शुरू कर अनिकेत कहता है मेरे सामने वाली खिड़की पे एक चांद सा टुकड़ा रहता है जब जब मैं देखूं उसको तो थोड़ा उखड़ा उखड़ा रहता है मेरे सामने वाली खिड़की पे एक चांद सा टुकड़ा रहता है लेकिन मेरे सामने वाली खिड़की पे लाइट दिख रही है लाइट जो मेरे पे ही फोकस मार रही है क्या गुंडा बनेगी रितु सभी की खिड़की के सामने चांद का टुकड़ा रहता है मेरे सामने यही लिखा है लाइट लिखी है जाने दो चलो ठीक है हर वक्त गुस्से में रहता है मेरा टुकड़ा मेरे केस में ऐसा नहीं है <laughs> मेरे शहर के बाजू वाले शहर में मेरा चांद का टुकड़ा रहता है मेरे शहर में मेरे चांद का टुकड़ा नहीं रहता है यही तो लफड़ा है यार लोगों का चांद का टुकड़ा उसके खिड़की के सामने रहता है मेरा चांद का टुकड़ा मेरे शहर के बाजू वाले शहर में रहता है यह सबसे बड़ा लफड़ा है अब क्या कर सकते हैं चलो ठीक है अब शुरू करते हैं लेट्स बिगिन विद द टॉपिक माय डियर फ्रेंड्स तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये चैप्टर नंबर थ्री इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन और आज हमारा चैप्टर खत्म होगा जिसमें हम सिर्फ बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे और बीमारी में कौन ही समझाया जाए तो चलो शुरू करते हैं ठीक है देखो अब सब पूछ रहे हैं कौन है वो चांद का टुकड़ा अरे भाई मेरा शहर यह धरती है और धरती के बाद वो चांद है बस ना भाई वही चांद के टुकड़े की बात कर रहा हो क्या गुंडा बनोगे यार अपने जैसे लोगों को कोई पूछता है क्या क्या यार तुम लोग हेक्सोइक गेमिंग इज गे सेइंग खिड़की बंद कर लो सर <laughs> शिवानी कहती है कि सर आपकी गर्लफ्रेंड है क्या नहीं मतलब अब हम नहीं नहीं अब हम लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं मैं पढ़ाना छोड़ देता हूँ और मैं अभी बॉलीवुड में चला जाता हूँ आजकल बहुत डिमांड है मेरी <laughs> जिसको देखो कल तो भाई पूरा शरद लगा दिया था अरे भाई मेरी जीअप है कि नहीं वो क्यों पूछना है क्या बोलेंगे यार छोड़ो अभी कुछ नहीं कर सकते रहने दो चलो ठीक है अब यहाँ देखो अच्छे से अरे धनश्वरी कहती है अरे बताओ भी यार मुझे जानना है अरे क्यों जानना है लेकिन <laughs> मतलब क्यों जानना है भाई तुम्हें लगता है ये शक्ल को मिलेगी कोई एक भी एक दिन मैं आईने में देख रहा था कि हाँ तू प्रशांत ही है ना तुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी बाद में पता चला नहीं तुझे नहीं मिलेगी जाने दे <laughs> बाद में पता चला कि चलो ठीक है तो लेट्स विद विद आज हमारा लास्ट लेक्चर है सो ऑलवेज बी द टॉपिक आज हमारा लास्ट सेशन है आज हमारा ये खत्म हो जाएगा फिर बायोलॉजी का लास्ट नहीं है भाई आज ये चैप्टर का लास्ट है हम इसके बाद चौथा चैप्टर पढ़ेंगे ठीक है चलो तो शुरू करते हैं ठीक है इज सिंह मुझे भी जानना है कौन है वो हाँ अच्छा जी ठीक है पता चलेगा एक दिन अभी कुछ फिक्स नहीं है भाई लोग पता चलेगा तो बता देंगे एक दिन मैं फिर अगर कुछ ऐसा रहेगा ना तो मैं फिर इंस्टाग्राम में पोस्ट कर दूंगा तो फिर तुम लोग देख लेना ठीक है डोंट वरी टेंशन वेंशन मत लो तुम लोग चलो तो चैप्टर नंबर थ्री अब थोड़ा पढ़ाई में ध्यान दें पढ़ने से पहले एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा तुम सभी लोगों को और वो बात मेरी जिंदगी में हमेशा ऐसे ही होता है मेरे सामने वाली खिड़की पे हाँ ये चीज मुझे तुम्हें दिखानी थी तो बच्चों थोड़ा सा यहां देख लो अरिस्टोटल एक बहुत ही बड़े फिलोसोफर माने जाते थे और इन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी इन्होंने ये कहा था कि 92% टू परसेंट ऑफ द पीपल्स नेवर अचीव देयर गोल्स अरिस्टोटल सॉल्व दिस टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड फोर्टी फाइव है गो जस्ट इमेजिन गाइज ठीक है हम लोग शुरू शुरू में मस्ती कर लिए अब थोड़ा बंद करते हैं मस्तियाँ और थोड़ा सा शिद्दत पे ध्यान देते हैं प्लीज ठीक है सुन रहे हेलो एवरीवन हमने हंसी खुशी से थोड़ा सा हंस लिया आप थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान देते हैं तो बच्चों एक बात देख लो अरिस्टोटल बहुत ही बड़े इंसान थे अपने टाइम पे और इन्होंने एक बहुत बड़ी चीज प्रूफ की थी कि दुनिया के नाइन्टी टू परसेंट लोग कभी भी अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते पूरी दुनिया के सिर्फ सात परसेंट लोग दुनिया में सबसे अधिक सक्सेसफुल हैं दुनिया में बच्चों भारत देश के अंदर अगर कोई इंसान तीस महीने कमाता है तो वह इंसान पूरे दुनिया के एक परसेंट लोगों में आता है पूरे दुनिया के एक परसेंट लोगों में आता है बाकी रेस्ट ऑफ दाइनटी नाइन परसेंट लोग जीरो हैं जो इंसान महीने का पचास हजार रुपए से भी अधिक कमाता है वो पूरे भारत देश में जितने भी लोग हैं उन सब में से एक परसेंट क्लब के अंदर आता है तुम लोग बिलीव नहीं करोगे गाइस एक करोड़ पब्लिक में से सिर्फ पांच से दस करोड़ लोग ही लाख रुपए से अधिक भारत देश में कमाते हैं सोचो तो मतलब ये चीजें होती है, तो दुनिया में सिर्फ 92 लोग ही हैं है सात परसेंट आठ परसेंट लोग ही सिर्फ सक्सेस हो पाते हैं दुनिया में ऐसा इनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है मतलब वो अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते देखो सक्सेस की बात अलग है सक्सेस तो कोई भी हो सकता है किसी का गोल ये हो सकता है कि चलो आज मैं भैया से यही पूछ लेती हूँ कि इनकी जी है कि नहीं तो यही एक सक्सेस हो सकता है तो सक्सेस तो किसी भी बात की हो सकती है लेकिन जो गोल्स होते हैं जो तुम गोल्स बनाते हो वो गोल्स लोगों के अचीव नहीं होते उसमें से सिर्फ आठ परसेंट लोग ही अपने गोल को अचीव कर पाते हैं नाइन्टी टू परसेंट लोग अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते तो ये सच्चाई है समझ रहे हैं मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं तो दिस इज द रियलिटी गाइस तो इसीलिए इस तो कहता हूं कि थोड़ा सा पढ़ाई वढ़ाई में ध्यान दिया करो ज्यादा जरूरी है चलो आगे बढ़ो हा तो अब टॉपिक पे बढ़ते हैं आई वॉन्ट टू बी इन दैट वन परसेंट ये क्या है चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं अभी मुझे लगता है ये बायोलॉजी मुझे पढ़ाना छोड़ना पड़ेगा फिजिक्स उजिक्स लेना पड़ेगा बायो के लेक्चर में बहुत सारे लोग आने लगे हैं आजकल और फिजिक्स में कम लोग आएंगे तो फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो ठीक रहेगा कम से कम कम लोग आएंगे तो ज्यादा टीचर हूँ यार तुम सबका ऐसे मत किया करो यार एक दिन मैसेज देखता हूँ इंस्टाग्राम में तो टेंशन आ जाता है एक बार हाई करते हैं लोग तो अगर गलती से मैं भी हाई कर दिया तो फिर वहाँ से शुरू हो जाते हैं लोग फिर मेरे को मैसेज सीन करके भागना पड़ता है मतलब वाह भाई ये मार डालेंगे तो, तो क्या कर सकते हैं अभी कुछ नहीं टेंशन <laughs> तो आ जाता है रिप्लाई नहीं देता मैं ठीक है फिर लोग बड़े डेंजरस होते हैं स्टोरी पर मेरे को टैग मार देते हैं अब तो देखेगा अब स्टोरी देखने के बाद फिर उसका भी स्क्रीनशॉट लेके टैग मारते हैं कि देखो मेरा स्टोरी देख लिया अब मैं क्या करूं मतलब पहले मेरे को टैग करोगे तो देखूंगा स्टोरी ना यार और देखने के बाद दिख जाता है कि देख लिया तो उसको भी डाल दे कि मेरा स्टोरी देख लिया ये गलत बात है ना ये चीटिंग है यार ये ठीक है बट कोई ना आप कुछ नहीं कर सकते मैं फंस चुका हूँ ठीक है तो चलो अब पढ़ाई में ध्यान देते हैं आ जाओ तुम सब मेरी भावनाओं को समझो कि आज लास्ट लेक्चर है और आज का टॉपिक सबसे आसान टॉपिक होगा बच्चों सबसे आसान क्योंकि सेक्स डिटर्मिनेशन सबको आता है लड़का होगा कि लड़की होगी कौन नहीं जानता है इसी के लिए तो हम पढ़ाई कर रहे हैं कि हम ये जान पाए कि लड़का होता है कि लड़की होती है और वो कैसे पहचानते हैं वो तो तुम जानते ही हो भाई पता है आई वॉज इन फोर्थ और फिफ्थ स्टैंडर्ड तो सब लोग कहते थे कि वो लड़का है और ये लड़की है तो मैं हमेशा सोचता था कि ये पता कैसे कर लेते हैं कि लड़का है कि लड़की है जब मैं आठवीं नौवीं में आया तब मुझे समझा कि अच्छा इसे पता चलता है ओके okay. वरना मैं छोटा बच्चा था यार पांचवी में मुझे क्या पता कैसे पता चलता है कि कौन लड़का है लड़की है मुझे पहले पता ही नहीं चलता था तो मेरे घर में मम्मी पापा या कोई आजू बाजू आंटी पड़ोस में सब कहते थे ना कि ये लड़का है लड़की में सोचता ये पता कैसे कर लेते हैं इनको कुछ दिमाग है क्या बाद में मुझे पता चला कि ओके ऐसा है अच्छा ठीक है इस हिसाब से पता चला कि लड़का है लड़की है अच्छा अब अब तो मैं भी पता कर सकता हूँ वो दिन भी क्या दिन थे यार चलो कोई ना तो सेक्स डिटरमिनेशन गाइज अब इसको भी क्या पढ़ाओ मेरे को समझ नहीं आता ये तो सबको आता है तीन मार्क्स के लिए आएगा एग्जाम में और गारंटीड आता है ये तो द मैकेनिज्म बाय सेक्स सेक्स इज इन टर्म्स ऑफ डिटरमिनेशन देखो मतलब एग्जैक्टली exactly क्या है कि एक ऐसी चीज जिसके थ्रू किसी का जेंडर डिसाइड होता हो उसे कहते हैं सेक्स डिटरमिनेशन देखो दुनिया में तीन तरीके के लोग होते हैं एक होते हैं बाय सेक्सुअल एक हर्माफ्रोडाइट और एक मोनोसियस देखो बायो तो पता ही होगा कि जे, मतलब डुअल सेक्सुअल जैसे कि फ्लावर्स होते ही बिस्कस हमारा हर्माफ्रोडाइट कौन होता है चलो एक मिनट बात पूछो तुम में से बच्चों कौन कौन हर्माफ्रोडाइट है अब अगर तुमने ना बोला तो भी तुम फंसोगे हाँ बोलोगे तो भी फंसोगे चलो देखते हैं हेलो एवरी क्या तुम में से कौन है हर्माफ्रोडाइट एनी प्लीज तुम में से कोई हर्माफ्रोडाइट है जल्दी बताओ हु इज हर्माफ्रोडाइट एनीबडी रिप्लाई दो यार रिप्लाई तो दे सकती हो एटलीस्ट निकिता कहती है कि मैं हूं और कौन कंचन कहता है कि हम हैं हर्मा प्रोडाइट और अभिषेक पाठी भी कहता है कि मैं भी हर्मा प्रोडाइट हूं और कौन कहता है भाई मनीष कहता है कि मैं हर्मा प्रोडाइट हूं एट गेमर भी कहता है कि मैं हर्मा प्रोडाइट हूं चलो ठीक है और कितने लोग कहते हैं देखो जरा सभी के नाम नोट करते जाओ ये सब जरूरी लोग हैं इनका नाम बहुत जरूरी है सब हर्मा फ्रोड कौन कौन है भाई अरुण कहता है मैं शुभम भी कहता है मैं हर्मा फ्रोडाइट हूं ठीक है सब के सब कह रहे हैं हर्मा फ्रोडाइट है ये लोग चलो ठीक है बहुत सुंदर अब हर्मा फ्रोडाइट की डेफिनेशन नहीं सुनोगे मेरे से <laughs> हर्माफ्रोडाइट की डेफिनेशन सुनो क्या नहीं क्या मेरे से <laughs> ये सबके नाम नोट कर लो ए पप्पू नाम नोट कर सबके ये सब इंडिया में रह के हर्मा फ्रोडाइट घूम रहे हैं लोग नाम नोट कर नाम नोट कर जल्दी सबके कोई बचना नहीं चाहिए <laughs> तो बच्चों हर्मा फ्रोडाइट उसे कहते हैं जिसको जिस इंसान को मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों साथ में होता है क्या निकिता एट गेमर अभिषेक अनिकेत क्या गुंडा बनोगे तुम लोग यार ऐसा है यार पहले क्यों नहीं बताया कहां छुपा के रखे हो तुम लोग ये सारी चीजें नहीं नहीं मतलब कहां छुपा के रखे हो यार <laughs> बड़े प्यार से कह रहे मैं, हुँ मैं 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 बड़े प्यार से कह रहे हो क्या गुंडा मतलब ऐसे करोगे यार <laughs> काश में ऑफलाइन ट्यूशन पढ़ा रहा होता इस वक्त देखो मैं ऐसा बंदा मैं ऑनलाइन में भी नहीं छोड़ता तुम्हें मैं <laughs> बड़े प्यार कितने प्यार से कह रहे थे मैं हूं मैं हरमा फ्रोडाइट हूं ओ वाह <laughs> चलो सही है ऑलवेज बी हैप्पी तुम्हें कहीं और नहीं जाना पड़ेगा तुम सबको शादी नहीं करनी पड़ेगी और तुम सबको किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी वाओ यू हैव एवरीथिंग यू आर गॉड गिफ्टेड दुनिया का सबसे बड़ा गिफ्ट तुम्हें मिला है बच्चों ऑलवेज इंजॉय योर लाइफ ऑलवेज इंजॉय योर लाइफ बिफोर इंजॉयंग जस्ट स्पेंड फाइव रुपीज ऑन समलून्स थैंक यू सो मच लेट्स बिगिन विद द टॉपिक <laughs> क्या हाई लेवल है यार तुम लोग बहुत डेंजरस हो <laughs> खुद से तुम लोग ने कहा यार कि मैं यार रहने दो यार तुम लोग रहने दो तुम भी मुझे क्या याद रखोगे चलो याद करोगे <laughs> कि कोई तो एक इंसान था जो हमें बहुत हंसाता था क्या बात है चलो कोई ना यार इट्स ओके okay. चलता यार थोड़ा बहुत चलता है कोई ना चलता है तो हर्मा उसे कहते हैं बच्चों जो जिसके पास मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों उसकी बॉडी में होता है, सब तुमने पढ़ा है 10th स्टैंडर्ड में बात करेंगे हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कभी भी 50 होता है वो अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स को रिसीव करता है और 50% नहीं करता ठीक है ये सारी चीजें आपने देखी है मेन मुद्दे पे आते हैं कि इंसानों के अंदर सेक्स कैसे होता है तो देखो मैंने कल के लेक्चर में तुम्हें समझा दिया था ये सारी चीजें कि लड़कियां हो चाहे लड़के हो दोनों के अंदर चौरालीस ऑटोजोम्स होते हैं और बाकी के बच्चे दो सेक्स क्रोमोजोम होते हैं मैंने इनके बारे में कल डिटेल में डिस्कस किया था शायद आपको याद होगा तो बच्चों किस तरीके से एग्जैक्टली exactly डिटर्मिनेशन होता है सेक्स का तो अभी जरा सभी लोग थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे जो मैं बताने जा रहा हूं यहां सब बच्चे फोकस करो देखो जैसे कि अभी मान लो कोई लड़की है यहां पे हरमा फ्रोडाइट लोग लेक्चर मत देखो प्लीज जितने भी हरमा फ्रोडाइट हो लेक्चर मत देखो हरमा फ्रोडाइट लोग को नहीं समझेगा यहां सिर्फ लड़के और लड़कियों की बात चल रही है इफ एनी बडी हरमा फ्रज देयर सो प्लीज यू कैन लीव दिस सेशन दिस इज नॉट फॉर यू बिकॉज यू आर हरमा फ्रोडाइट यू हैव बोथ ंग अट मोर देन सो प्लीज वी आर नॉट से यू कैन लीव दिसन वी आर नॉट से हम्बल रिक्वेस्ट चलो आ जाओ आपस टॉपिक पे आ जाओ मुझे भूल ही नहीं रहा है ठीक है तो यहाँ ध्यान देते हैं आ, बस बाय ही बोलो बाय टेक केयर लेव यू लेट यहाँ देखो अभी तो फीमेल के अंदर क्या होता है बच्चों एक्स एंड एक्स और मेल के अंदर क्या होता है एक्स एंड वाई तो अब ये भी सिखाना पड़ेगा कि कैसे होता है भाई ठीक है तो एक्स अभी, अभी एक्स ले लो और इसका वाई ले लो, तो लो, इस लो। ठीक है इस तरीके से फिर क्या करो एक बार अब इसका इस इस, बार इसकी बारी अब इसका एक्स ले लो और इसका एक्स ले लो तो ये एक्स एक्स बन गया अब इस बार इसका वाई ले लो और इसका एक्स ले लो तो ये एक्स वाई मतलब पहले एक्स लिखते हैं तो ऐसे लिख लो मेरे पास जगह नहीं है ना चलो तो, तो इस तरीके से तो अब क्या आखिर मिल रहा है तो बच्चों फिफ्टी परसेंट लड़कियां पैदा हो सकती हैं और रेड में लिखता हूं समझ गया ना जो बता रहा हूं आज हैंड राइटिंग की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये आसान है तुम भी कर सकते हो और फिफ्टी परसेंट मेल पैदा होते हैं मतलब कि जब एक लड़का और एक लड़की कुछ करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो फिफ्टी फिफ्टी हो सकता है मतलब रिजल्ट में या तो लड़की आएगी या तो लड़का आएगा ये पता नहीं कि क्या आएगा बट फिक्स नहीं है भाई कुछ भी आ सकता है ध्यान देना अच्छे से ठीक है तो ये बातें बहुत ज्यादा जरूरी है चलिए अब आगे बढ़े बच्चों लेट्स बिगिन विद द टॉपिक माय डियर फ्रेंड्स आई होप आपको समझा होगा यही चीज यहाँ पे समझाई गई है कि अगर कोई भी मेल और फीमेल है तो यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होता है तो जो इस से क्रिएट होती चीजें तो देखो फीमेल फीमेल 50% परसेंट मेल मेल आने के भी चांसेस 50 50% परसेंट है तो अगर एग्जाम में पूछेगा तो कंक्लूजन का रेशियो वन इज टू वन बताना कि या तो 50% परसेंट लड़कियां 50% परसेंट लड़के आ सकते हैं यह ह्यूमन बीइंग के अंदर रिप्रोडक्शन का तरीका है अब बच्चों अगर एग्जाम में आएगा तो कैसे लिखोगे तो यहां से लिखना शुरू करना यहां तक लिखना और यह डायग्राम समझा देना ठीक है वो पूरा ऑटोजोम सेक्स क्रोमोजोम पेयर में कितने क्रोमोजोम होते हैं जो मैंने कल पूरा पढ़ाया था ना इसको अच्छे से एग्जाम में समझा देना तुम्हें फुल मार्क्स मिलेंगे कोई तुम्हारा मार्क्स नहीं काट सकता ठीक है चलो अब आगे बढ़े आ, ऋतिक भाई कहते हैं कि क्लास टेंथ के चैप्टर टू कब आएगा बेटा वही अपलोड हो रहा है आ जाएगा ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अज्जू भाई कहते हैं कि सर हर्माफ्रोडाइट का फोटो दिखाओ अरे यार हर्माफ्रोडाइट का फोटो दिखाऊंगा तो फिर सीधे वो दिखाना पड़ जाएगा <laughs> कैसे यार क्या देखो कितने हाई लेवल के बंदे हो यार तुम देख लोगे देख पाओगे तुम तुम्हारी आंखें बर्दाश्त कर लेंगी कैसे देख पाओगे तुम इस चीज़ को मेल फीमेल दोनों साथ में कैसे देख पाओगे ये गलत चीज़ है यार ऐसा मत देखो बहुत ही बुरी चीज़ है ये अब तुम समझ जाओ ना इमेजिन नहीं कर सकते थोड़ा सा बस ऊपर नीचे ही रहता है रहेगा अब मैं भी देखा नहीं हूँ यार अभी अब कोई हरमा प्रोडक्ट रहेगा तो थोड़ी बोलेगा ले देख देख लेते थोड़ी दिखाएगा यार तो मैं भी देखा नहीं हूँ वैसे अभी तक बस <laughs> बस पढ़ा पढ़ाऊं कि हाँ होता है अब देखा थोड़ी हूँ समझा करो मेरी भी भावनाओं को समझा करो यार ठीक है चलो अब आगे बढ़ते हैं तो बच्चों बी पॉइंट पे चलते हैं तो सेक्स डिटरमिनेशन इन बर्ड्स चलो फोकस करते हैं अभी बच्चों आज आपको एक बात बताऊं आज का ये दिन जो था ना और जितने लोगों ने कहा ना कि हम हरमा फ्रोडाइट हैं ये अपने जीवन में इस दिन को कभी नहीं भूलेंगे इनकी लाइफ में, में मेमरीज बन गई है मतलब ये जिंदगी का सबसे बड़ा दिन इनका है और आज का दिन ये लाइफ में अपने कभी नहीं भूल सकते इनकी शादी हो जाएगी शादी के बाद जब ये चालीस साल के हो जाएंगे ना बच्चों और ये याद करेंगे कि कोई तो प्रशांत नाम का एक लड़का था और उसने हम सबसे पूछा था कि हरमा फ्रोडाइट का मतलब क्या होता है और मैंने हाँ कहा था और फिर उसने मेरी रोस्टिंग कर दी थी उसने हमें फंसा लिया था वो दिन तुम्हें आज का दिन कभी नहीं भूलेगा वो दिन वाओ और ये हमेशा के लिए रिकॉर्डिंग पड़ी रहेगी तो तुम्हारा कभी भी मन करेगा ना कि मेरी रोस्टिंग कैसे हुई थी तो आ जाना इस लेक्चर को देखना और थोड़ा हंस लिया करना हो सकता है कि बहुत से बच्चों को आज बुरा लगेगा लेकिन जब तुम चालीस साल के हो जाओगे ना बेटा तो ध्यान देना अच्छे से चालीस साल के बाद जब तुम इस लेक्चर को देखने आओगे यू विल इंजॉय कि वाओ यार वो दिन भी क्या दिन थे मेमोरीज बनेंगी आज का दिन तुम्हें कभी नहीं भूलेगा हमेशा <laughs> के लिए मेमोरेबल होगा और मैं जानता हूं तुम मनी मन सब हंस भी रहे हो मैं जानता हूं तो हंस लो दिल खोल के हंस लो ठीक है चलो अब यहां देखते हैं तो सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स तो बच्चों जिस तरीके से इंसानों के अंदर गर्ल्स के अंदर एक्स और एक्स क्रोमोजोम होता है और के अंदर एक्स और वाई क्रोमोजोम होता है इंसानों में उसी तरीके से जेड डब्ल्यू और जड जड इस तरीके के टाइप्स होते हैं बर्ड्स के अंदर और बर्ड्स के अंदर जो जड जड है बच्चों मेल इनके अंदर सेम होता है देखो यहाँ पे गर्ल्स के अंदर सेम सेम है इंसानों में लेकिन बर्ड्स में बच्चों मेल के पास सेम होता है ठीक है और फीमेल के पास डिफरेंट होता है मतलब कि सिर्फ हम इंसान ही ऐसे हैं जो मतलब हम लड़कियों से अलग हैं बाकी सारी प्रजातियां लड़कियां मतलब जो लड़के हैं ना वो वो अलग वो सेम सेम है उनमें लड़कियां अलग होती हैं मतलब कि हम इंसानों में हम इंसानों में लड़कों की चलती है थोड़ा बहुत लेकिन बाकियों में लड़कियों की सिर्फ चलती है देखते हो चीण, 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 करते रहती है बर्ड्स ये सब लड़कियां रहती हैं चिड़िया होती है जो चिड़ा रहता है ना चिड़ा चिड़ा कभी चींची चींची नहीं करता सिर्फ चिड़िया ही चींची चींची करती है चिड़िया रहती है ना वो चींची चारों तरफ करते रहती है जो लड़का होता है ना चिड़ा वो चिड़ा कभी भी, भी चींची चींची नहीं करता ये सही बता रहा हूं मैं लड़कियों का ही काम चींची चींची रहता है ठीक है तो क्या बच्चा वही फिफ्टी फिफ्टी परसेंट चांसेस होते हैं सेम टू सेम यहाँ पे चलो देख लो कि मेल के अंदर पहले से एक डिप्लॉइड जीनोटाइपिक होता है और बाकी के जड़ जड़ होते हैं यहाँ पे भी डिप्लॉइड सेल अलग से और जेड डब्ल्यू साइड में इनका जब कभी भी रिप्रोडक्शन शुरू होता है तो बच्चों गर्ल्स के अंदर से दोनों के दोनों एन प्लस जेड और एन प्लस डब्ल्यू निकलता है और मेल का इसमें सेम सेम होता है जैसे इंसानों में गर्ल्स का सेम रहता है क्रोमोसोम्स वैसे मेल में यहां पे क्रोमोजोम सेम होती हैं तो एनजेड एनजेड ही आने वाला है तो जो भी चीज बनेगी मेल के साथ मिलकर वो पक्का मेल ही बनेगा और फीमेल में यहां पे दोनों के चांसेस है कि फीमेल बर्ड्स प्रोड्यूस होगी तो ये टू एन जेड डब्ल्यू इस तरीके से तो ये प्लीज ये फ्लो चार्ट याद रखो बच्चों एग्जाम में ये तीन मार्क्स के लिए आएगा इतना आसान है बहुत आसान टॉपिक है ये अब लास्ट के टॉपिक बहुत आसान है अब देखते हैं बच्चों की सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी

पर मैथमेटिक्स का लेक्चर तुम सबको चाहिए ना चलो कल से शुरू करता हूँ कल से डिफरेंशिएशन शुरू करता हूं डेली लेक्चर ठीक है कल से डेली लेक्चर शुरू करूंगा बच्चों ठीक है डन ना चलेगा ठीक है कल से डेली करता हूं। ओके? ये, ये पता नहीं क्या होता यार तुम लोग को मालूम ये क्या चीज है मेरी मम्मी ने मेरे को भेज दिया बोलती लिखा ये आई डोंट नो ये क्या चीज है एनी बडी कैन गेस इट वट इज दिस ये हरा है ऊपर से लाल है एनी बडी क्या चीज है भुक्कड़ बोल रहे है कोई था <laughs> क्या ये पता नहीं इसको क्या बोलते है ये मेरे को सिंह दाना का छोटा भाई लगता है सिंह दाने का छोटा भाई लगता है ये सेंगदाना होता है ना सेंगदाना अरे मूंगफली उसका छोटा भाई लगता है मेरे को जो भी है <laughs> अच्छा लग रहा है जो भी है अच्छा लग रहा है चलो ठीक है जेनेटिक डिसऑर्डर्स में आ जाओ तो बच्चों जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होता है हमने इसको नाइन्थ स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर फोर्टीन में पढ़ा था क्लास नाइन्थ के चैप्टर फोर्टीन में साइंस के अंदर तो चलो देखते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स आखिर होता क्या है जेनेटिक डिसऑर्डर्स को हम क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स भी कहते हैं बच्चों आधे से ज्यादा जितने भी आज के वक्त में एटी परसेंट डिसऑर्डर्स हैं वो म्यूटेशन की वजह से हुए हैं और म्यूटेशन तुमने क्लास के चैप्टर वन में साइंस टू में पढ़ा था कि क्या होता है कि सडन चेंजेस ऑकरिंग इन जीन्स सडन चेंजेस ऑकरिंग इन जीन जीन में सडन चेंजेस होता है उसे हम कहते हैं म्यूटेशन कहने का मतलब क्या होता है कि सपोज दिस इज अ बेस पेयर ऑफ दर एन एंड इसके ऊपर और मान लो है अब तो हमारा थार में होता नहीं है तो है है ठीक तो मान लो ये पहले अब मैंने आपको बताया भी था कि जेनेटिक कैरेक्टर इंफॉर्मेशन मतलब क्या होता है तो ये जो सीक्वेंस होते हैं हमारे नाइट्रोजिनस बेसिस के दैट इज एडेनिन गुआनिन या यूरासिले कोई भी सीक्वेंस हो सकता है इन्हें न्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं ठीक तो है तो मान लो अगर गुआनिन और जो हमारा यूरासिल है तो इसके जगह में कोई और दूसरा आ जाए इसके जगह में कोई और दूसरा जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल पहले यूरासिल और बाद में आ जाए, तो पहले जो इंसान का कैरेक्टर था अब वो चेंज हो जाएगा ना यार तो ड्यू टू चेंज इन जीन इंसानों का करेक्टर बदल जाता है और वो कैरेक्टर बदलने के बजाय बीमारी का नाम ले लेता है बीमारी का रूप ले लेता है दिस इज कॉल्ड जेनेटिक डिसऑर्डर समझा तो ऐसे बहुत से नाम है देखो यहां पर लिखा भी हुआ है पहला नाम है सिकल सेल एनीमिया कलर ब्लाइंडनेस हीमोफीलिया फिनाइल कीटोनोरिया ऐसे और तो और डाउन सिंड्रोम फिर टर्नर सिंड्रोम फिर क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम ऐसे तो जो बच्चों ये बाकी नीचे की बीमारियां हैं जैसे डाउन सिंड्रोम टर्नर सिंड्रोम क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम है ये ये सारे सिंड्रोम की हम बातें अभी डिटेल में करेंगे ठीक है तो ये सभी के सभी क्रोमोजोमल एबनॉर्मिलिटी की वजह से होता है मतलब किसी इंसान के जो क्रोमोजोम होते हैं ना उनमें कुछ ना कुछ बदलाव आ जाए लेकिन जो बाकी ऊपर की बीमारियां थी ये सब के सब म्यूटेशन की वजह से होती हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि कलर ब्लाइंडनेस सबसे ज्यादा मेल को हो सकता है गर्ल को नहीं होता जल्दी हिमोफीलिया भी सेम फिनाइल फिनाइलोरिया में हमने देखा था कि कैसे अमाइनो एसिड टायरोसिन नहीं बना पाता है और वो एंजाइम की वजह से इसमें ये प्रॉब्लम होती है सिकल सेल एनीमिया में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया बच्चों कि जो हमारा रेड ब्लड सेल होता है नॉर्मल वो सिकल शेप का हो जाता है कुछ ऐसे ठीक है ऐसे हो जाता है जो कि एकदम बहुत ही बैड सिचुएशन होती है इंसान की पूरा बॉडी रेड रेड हो जाएगा ठीक है फिर ऐसे ही भी एक सेम बीमारी है तो ये सब म्यूटेशन की वजह से होता है लेकिन जो नीचे के डाउन सिंड्रोम टर्नर सिंड्रोम क्लाइंट फिल्टर ये सब क्रोमोजोमल बीमारियां होती हैं मतलब क्रोमोजोम में प्रॉब्लम होती है उसके वजह से होता है ध्यान रखना सचिन गुप्ता कहता है कि भैया साइंस टू एंड साइंस वन के लेक्चर डालो अरे भाई अपलोड हो गया है अपलोड हो गया है यार अरे भाई अपलोड हो गया है अभी पब्लिश करना बाकी है चलो अब आगे बढ़ते हैं अब बात करेंगे थैलासेमिया के बारे में देखो जो थैलासेमिया है ये एक ऑटोजोमल क्रोमोजोम्स की वजह से होता है और ये रेसेसिव डिसीज़ है बोले तो क्या मतलब कि देखो दो कैरेक्टर होते हैं सपोज एक्स और वाई किसी मेल को है तो उसमें से एक कैरेक्टर मतलब ये दो हैं तो एक तो डोमिनेंट होगा और एक रेसेसिव होगा इस बात को ध्यान देना अच्छे से ऐसे ही बता रहा हूं मैं कोई भी डोमिनेंट कोई भी रेसेसिव हो सकता है डोमिनेंट मतलब वो भी बार बता चुका जो रिप्रेजेंट होता है तो यहां पे रसेसिव डिसीजेस बहुत सारी हो सकती हैं जो क्रोमोजोम्स रसेसिव करेक्टर था जो रिप्रेजेंट नहीं हुआ उसके वजह से बीमारी हो जाएगी आखिर इसमें होता क्या है तो जो हीमोग्लोबिन होता है व्हाट इज हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन हमारे शरीर का अमाइनो एसिड है बच्चों अमाइनो एसिड ब्लड के पास होता है ये ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन इट इज अमाइनो एसिड जो कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है अपने तरफ और जिससे कि पूरे ब्लड में ऑक्सीजन पहुंचता है ठीक है ये किससे बनता है तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन टू अल्फा एंड टू बीटा चेन के साथ क्रिएट होता है कहने का मतलब क्या होता है कि देखो अच्छे से हम सब ने बचपन में पढ़ रखा है साइंस टू क्लास टेन चैप्टर वन में प्रोटीन क्या होता है प्रोटीन इज अ चैन ऑफ अमाइनो एसिड अमीनो एसिड का एक चेन होता है फटाफट लिख रहा हूं और बच्चों ये मान लो एक अमाइनो एसिड दो एसिड तीन चार अमाइनो एसिड

जब तुम्हारा बायो केमिस्ट्री पढ़ोगे वहां पे तुम्हें अल्फा बीटा पोजीशन दिखेगी और पूरे के पूरे पॉलीपेप्टाइड चेन सिखाए जाएंगे कोई केमिकल फॉर्मूला नहीं है इसका बस इसका जस्ट चेन तुम्हें दिखाएंगे वहां पर लिपिड के साथ ठीक है ध्यान देना अच्छे से अगर भाई गई जीन की बात करें तो एच बी ए वन एच बी ए टू इसके दोनों जीन का नाम है और फिलहाल क्रोमोजोम जो होता है सिक्सटीन के क्रोमोजोम पे इसका अफेक्शन होता है इस बात को ध्यान देना और इस वजह से बीमारी हो जाती है नेक्स्ट है गाइस डाउन सिंड्रोम सिंह ट्वेंटी वन ट्राइसोमी क्रिएट करता है मतलब कहने का मतलब यह है कि आज डायग्राम में दिखाता हूं अगर आपको यह डायग्राम देख के नहीं समझता कुछ भी तो मुझे समझाना पड़ेगा एक बार और रिपीट करता हूं कि इंसान के अंदर 46 सिक्स क्रोमोजोम होते हैं जिसमें से 22, 22 ट्वेंटी पेयर मतलब 20 हट जा भाई छोटा लिखूंगा नहीं तो आगे लिख नहीं पाऊंगा 46 सिक्स क्रोमोजोम होते हैं जिसमें से हर एक इंसान के अंदर 44 फोर क्रोमोजोम मतलब 22 टू पेयर इन्हें हम ऑटोजोम्स कहते हैं और दो क्रोमोजोम्स होते हैं इन्हें हम सेक्स क्रोमोजोम्स कहते हैं मतलब कि अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो टोटल 22 टू पेयर में क्रोमोजोम जो है वो ऑटोजोम्स हैं तो बच्चों ऐसे देखो पहला पेयर दूसरा पेयर तीसरा पेयर चौथा ऐसे ट्वेंटी वनवे पेयर पे एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोजोम आता है और इस वजह से जो बीमारी होती है उसे डाउन सिंड्रोम कहते हैं डाउन सिंड्रोम मतलब ट्वेंटी क्रिएट करता है आप यहां पे पढ़ोगे तो आपको समझेगा कि ट्वेंटी फर्स्ट नंबर के क्रोमोजोम पे एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोजोम आ जाता है और इससे जो बीमारी होती है उसे कहते हैं डाउन सिंड्रोम और बच्चों कौन से क्रोमोजोम में आया ऑटोजोम से ना ये हमारे सेक्स क्रोमोजोम में कुछ हुआ क्या नहीं ये ऑटोजोम्स में हुआ इसीलिए इसको हम कहते हैं कि यहां पे ऑटोजोमल यह कहलाएगा क्योंकि ऑटोजोम्स जो हैं उनमें एक, एक्स्ट्रा एक्स ex आ गया सो हेंस वी विल कॉल इट एज डाउन सिंड्रोम एंड ऑटोजोमल डिसऑर्डर प्रशांत भैया आज पेपर था आपके एक एक शब्द याद आए थे और आपको मैंने मेरे टाइम टेबल भेजा है स्टडी का प्लीज देखो कैसा है और रिप्लाई दो और आपने मुझे दो चैप्टर में अपना मुझे रोस्ट किया था ओ हो तो साहिल कैसा गया तुम्हारा पेपर साहिल तुम्हारा पेपर आज का कैसा गया जल्दी बताओ साहिल आज का पेपर तुम्हारा कैसे गया नहीं बाबा चैप्टर खत्म होने वाला है मैं बाय नहीं बोलूंगा रुको मार्वल कहता है भैया एक शायरी सुनाओ ना अच्छा चलो एक लेक्चर के बाद एक शायरी सुनाऊंगा ठीक है साहिल पेपर कैसे गया निशांत कहता था सुपर चैट क्या था भैया आपने पढ़ा नहीं अरे निशांत बताओ तुम्हें क्या चाहिए बताओ क्यूट पांडा कहता है भैया सिर्फ आप सिर्फ ट्वेल्थ में फोकस कर रहे हो और किसी चीज पे फोकस ही नहीं कर रहे हो अरे ट्वेल्थ स्टैंडर्ड पे ऐसा नहीं है यार इलेवेंथ के लेक्चर डेली जा रहे हैं भाई और टेंथ के लेक्चर अभी डालने वाला हूं अपलोड हो गया है जैसे ही लेक्चर खत्म करूंगा ना वैसे ही हो जाएगा फजनान कहते हैं भैया हिंदी बोलो अरे भाई इंग्लिश मुझे भी नहीं आती है <laughs> वही ना चलो गेमर की वीडियो डालो अच्छा बच्चों को गेम खिलाऊंगा उनके पेपर के बाद चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ अग्री आग्री यश कहता है कि आपको इतना सारा याद कैसे रहता है मेरे को इतना सारा याद कैसे रहता है जानते हो क्योंकि मैं मेरी मम्मी रोज़ मुझे पिस्ता खवाती है तुम भी खाते हो और एक मेरी फ्रेंड है वो मुझे रोज़ डोसा खिलाती है इसलिए मैं ऐसा हूँ मुझे बहुत याद रहता है तुम लोग भी रोज़ पिस्ता खाया करो और तुम्हारी वाली दोस्त रहेगी ना वो तुमको डोसा खिलाएगी डोसा खाया करो फिर तुमको भी बहुत दिमाग बढ़ेगा दिमाग चलो अब शुरू करते हैं अग्री कहता है कि आज शुरू करना पड़ेगा चलो ठीक है, तो है। अब आगे बढ़ते हैं अश्विनी शेन्डे अश्विनी शिंदे सिंह भैया मराठी मध्य बोला हो क्या बोलू मराठी मे तो मैं वाटते मेरा मराठी बोला ये है। अरे यते रे बाबा कारण का खूब खूब लोग मराठ समझत नोकान फिर मराठी समझात कई लोग हिंदी समझा आता मैं बोलू का मैं समझत नी का बोलू इसीलिए मैंने हिंदी चूज कर लिया कि मैं आपसे हिंदी में बात करूंगा ठीक है चलो तो आता पुढ़ जाओ भाई चलो सीखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है टर्नर सिंड्रोम तो बच्चों डाउन सिंड्रोम एग्जाम में तीन मार्क्स को आएगा एग्जाम में आए तो क्या बताओगे कि ट्वेंटी फर्स्ट नंबर का जो ऑटोजोम होता है उसमें एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोजोम आ जाता है और जिस वजह से ये बीमारी कॉज होती है ये देखो डायग्राम देख लो देखो तो यहां पर तीन तीन आ गए टर्नर सिंड्रोम बच्चों क्या होता है चलो देखते हैं अब तो देखो सिर्फ लास्ट का दो टॉपिक बचा बच्चों लास्ट टॉपिक आ गया टर्नर सिंड्रोम में एक्स की मोनोसोमी क्रिएट होती है मोनो मतलब सिंगल सोमी मतलब पेयर पेयर सिंगल पेर। एक्सो फीमेल्स बनते हैं तो बच्चों इसमें होता क्या है कि टर्नर सिंड्रोम में चौरालीस ऑटोजोम होते हैं विद एक्स ओ मतलब एक क्रोमोजोम ही कम हो जाता है इस वजह से बच्चों के अंदर शॉर्ट स्ट्रेचर हाइट बहुत कम होती है उनकी नाक बहुत ही वेब्ड टाइप की होती है उनका पोस्टीरियर हेयर लाइन बहुत ही लोवर हो जाता है और 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 रहता है 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 ऐसा एकदम चिपक क्या हो जाएगा poorly developed ovaries और breast, basically ये 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 बीमारी लड़कियों में में होती भाई में। क्योंकि की की कमी के से ये होता है। और X chromosome की कमी के के वजह वजह से से होता अगर ये होगा तो जितने भी लड़कियों वाले लक्षण होते हैं ना उन सब में प्रॉब्लम आ जाएगी अब लड़कियों वाले लक्षण क्या होते हैं कि ब्रेस्ट का आना फिर पेल्विक गडल का स्प्रेड होना थोड़ा सा, चेस्ट एकदम प्रॉपर प्रॉपर दिखना एंड ऑल ठीक है और बाकी की चीजें मतलब हेयर लाइंस ना आना ये सब कुछ तो ये सब में प्रॉब्लम आ जाएगी देखो हाइट तो एक तो लड़कियों की वैसे भी बड़ी नहीं होती इन लोगों को कॉम्प्लेन भी ना पड़ता है बट फिर भी इनकी हाइट तो एक भी नहीं होती और अगर ये बीमारी हो जाए तो और भी हाइट नहीं बढ़ती तो शॉर्ट स्ट्रेचर हो जाता है तो ये भी चीजें होती है भाई तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा ध्यान रखना अच्छे से ठीक है तो टर्नर सिंड्रोम में एक्स क्रोमोसोम की कमी हो जाती है चलो आगे बढ़े अभी ध्यान दो अच्छे से अशी सेंग मी भैया भा सर मग प्लीज मराठीमध्ये शिकवा ना लेक्चर अरे अग्री मी सांगितलो ना तुम्हाला काही काही लोक आहे तिकडे त्यांना मराठी समजत नाही मुंबईमध्ये तिकडे खूप लोक आहे बाबा खूप स्टुडंट शिकतोय त्यांना मराठी भाषा समजत नाही त्यांना फक्त हिंदीत समजतात तर मी काय बोलू आता माझे प्रॉब्लेम नाही रे बाबा वानखेडे प्रांजली सेंग हमारी हाईट होतीये कुछ भी प्रांजलिया मेरे से तुम्हारी हाइट छोटी ही होगी चलो नाप लो चाहिए तो तुमको ठीक है चलो तो ध्यान देना अच्छे चलो अब शुरू कर दें इकड़े बगा भाई देखो वैसे मराठी वराठी मेरे को आती नहीं है पर मैं इतना बोल लेता हूँ कि काम चल जाता है मतलब अगर कोई ज्यादा मराठी बोलता है ना तो फिर अपन भाई मराठी में बात करना शुरू तो स्टार्टिंग के दस पंद्रह लेक्चर दस पंद्रह लाइन है ना वो रट्टा मार के रखा है मैं और वही बोल देता हूँ पक्के और उसके बाद अगर बोलेगा तो भाई तू कौन मैं कौन चल फिर ना फिर इंग्लिश में बोलने का

जब दस पंद्रह लाइन रट्टा मारा खत्म हो जाएगा ना तो फिर इंग्लिश में बोलने का अब ना उसको लगेगा कि भाई ये बहुत पढ़ा लिखा आदमी है तो फिर वो अपने से लड़ाई नहीं करता है चुप हो जाएगा चला जाएगा मैं भी चल पटेली मारता है अपन भी इंडिया वाले कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले दुश्मन के छक्के छुड़ा दे क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम लास्ट है चलो अब पूछेंगे फिर से अब बच्चे फंसेगे लास्ट टॉपिक आज के चैप्टर का चलो बच्चों बताओ कौन कौन यहाँ पे क्लाइंट फिल्टर से ग्रसित है किसको किसको क्लाइंट फिल्टर हुआ है किसको हुआ है एनीबडी इज देयर क्लाइंट फिल्टर वाला बच्चा फिर मैं सबके चैट पढ़ूंगा बच्चा आज लेक्चर जल्दी खत्म होगा क्लाइंट फिल्टर वाले जल्दी बोलो कौन कौन क्लाइन फिल्टर एनी बडी इज फ्रॉम क्लाइन फिल्टर एरिया हेलो 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 चेकमी 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 एनी फ्रॉम क्लाइन फिल्टर एरिया <laughs> क्लाइन फिल्टर के ग्रुप से इज देयर ए मिल गया मिल गया चोरगट मिल गया रुको 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 अभी लेके आता हूं तो मैं कहां गया ये अभी पकड़ता हूं इसको अभी पकड़ता हूं इसको अभी पकड़ता हूं इसको रुक जा बेटा रुक जा तेरी अभी सहमत आई है ये, ये फंस गया क्लाइन फिल्टर वाला लड़का ये चैट बच्चों के सामने आ गया ए, कहां गई पेन भाई चैट बच्चों के सामने है ये है फंस गया ये लड़का यही है क्लाइंट फिल्टर इसको घाचे मिलूंगा साइड में और कोई है साइड में और एनी इज देर क्लाइंट फिल्टर वाला बंदा एनी बड़ी एनी बडी क्लाइंट फिल्टर लो क्लाइंट फिल्टर वाले क्लाइंट फिल्टर वाले एनी बडी इज देयर बोलो जल्दी हाँ या ना बोलो पकड़ता हूं मैं इसको जल्दी से ए कौन है भाई और कोई है क्या फंस गया अभी पकड़ता हूं मैं ठीक है और कोई रहेगा पकड़ता हूं अभी रुक जाओ एनी <laughs> बडी और कोई है बाप रे चैट में आने के लिए सब बोलने लगे मैं हूं मैं कितने गजब बेइज्जती है यार क्या गुंडा बनोगे यार तुम लोग बड़े ही बड़े ही डेंजरस पब्लिक हो सबके सब, सब सामने आने के लिए सबके सब देखो सब बोलने लगे मैं हूं मैं चुप नालायक लोग कितने डेंजरस है यार तुम लोग कितने चालू लोग हो यार तुम लोग सामने दिखने के लिए सबके सब, सब रेडी बोल रहे हैं मैं हूं मैं प्लान फिल्टर का मतलब समझता है ए दस रुपया निकाल रहे ये होता है क्या यार तुम लोग खुद को कुछ भी समझ लिया यार ऐसे मतलब ऐसे What is going on? पढ़ाई क्यों कर रहे हो <laughs> भाई थर्ड जेंडर हो क्या तुम लोग हे hey प्रभु <laughs> मतलब कुछ भी कुछ भी चैट के लिए तुमने अपने जेंडर को कुर्बान कर दिया मतलब चैट के लिए जेंडर कुर्बान कर देने का बाप रे <laughs> इतना अच्छे से लड़के लोग बन के आए हो रहने दो यार ये रोहन तो भाई एक्सेप्ट कर लिया कि मैं हूं चलो कोई ना शायद हो सकता है कि वो होगा यार हमें इस चीज में हंसना नहीं चाहिए शायद अब मैं उसको देखने तो गया नहीं हूं इट्स ओके okay, इस चैट को हटा देना चाहिए चलो आ जाओ यहां पर देखो तो क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम क्योंकि पब्लिक बच्चे कोई भी हो सकता है ठीक है जय महाराष्ट्र जय शिवाजी चलो या तो क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम की चलो बात करते हैं बच्चों क्लाइन फिल्टर में क्या होता है कि जैसे कि तुम सब जानते तो हो कि 44 क्रो, हमारे पास ऑटोजोम है और उसमें फिर मान लो एक्स और एक्स ये मान लो लड़की है लड़की का मैंने यहां पर लिख दिया जीन का स्ट्रक्चर तो फोर्टी जो है ये ऑटोजोम्स है और ये जो है ये सेक्स क्रोमोजोम्स से, है गर्ल्स का तो अब बच्चों क्या होता है कि मान लो इस लड़की के अंदर कोई प्रॉब्लम आने वाली होगी तो एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इसमें वाई वाई आ आ जाएगा एक्स्ट्रा वाई आ गया तो तो ये ये जो फिल्टर जिसके अंदर हुई है ना तो लड़की तो रहेगी इसको ब्रेस्ट होगा इसका पेल्विक गडल वैसे ही फैला होगा इसकी आवाज भी थोड़ी सी ऐसी रहेगी लेकिन इसमें ना सारे मिक्स हो जाएंगे मेल के कैरेक्टर क्योंकि वाई क्रोमोजोम मेल का होता है तो मेल के कैरेक्टर थोड़े से मिक्स हो जाएंगे बच्चों कैसे जैसे कि इसको थोड़ा सा बियर्ड भी आ जाएगी इसकी आवाज थोड़ा सा लड़कों जैसी हो जाएगी लेकिन रहेगी लड़की सारा एरिया लड़की का होगा लेकिन थोड़ा सा लड़कों जैसे भी रहेगी ये ऐसा हो जाएगा समझा इसी तरीके से इसी तरीके से ध्यान दो जरा अच्छे से अब अगर मान लो फोर्टी फोर क्रोमोजोम कोई मेल है तो इसके अंदर गर्ल्स वाले कैरेक्टर आ गए मान लो एक्स क्रोमोजोम एक्स्ट्रा बढ़ गया मोस्टली एक्स क्रोमोजोम ही बढ़ता है वैसे ज्यादातर नाइनटी नाइन परसेंट तो अगर मान लो एक्स क्रोमोजोम बढ़ गया

समझो ना अभी और ये स्टराइल होते हैं मतलब कि ये कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते समझा ध्यान रखना अच्छे से चलो तो गाइस चैप्टर खत्म हो गया कितने लोगों को लगा कि हमारा चैप्टर बड़ा ही मजेदार था मुझे लगता है कि ये चैप्टर सबसे आसान और मजेदार था बस वो डेफिनेशन याद कर लो सब लोग वो स्टार्टिंग में जो डेफिनेशन दिया हुआ था ना जिस बच्चे ने उस डेफिनेशन को पढ़ लिया तो उसके लिए चैप्टर सबसे आसान है खत्म हो गया मोड़ी मोड़ा के लग गई भांग फस गई जलन खत्म झाला खत्म लेक्चर खत्म जय सनातन हाँ ठीक है भाई मैंने बोला था ना क्षितिजा कि स्टार्टिंग के चैप्टर के लेक्चर जीरो में मैंने पच्चीस डेफिनेशन लिखवाई थी पच्चीस पच्चीस डेफिनेशन जिसे हम कहते हैं जेनेटिक टर्मिनोलॉजी तो वो जेनेटिक टर्मिनोलॉजी अगर तुमने पढ़ा तो तुमको आएगा ठीक है तब तुम्हारा सब सही हो जाएगा अगर तुमको वो जेनेटिक टर्मिनोलॉजी नहीं पढ़ी तो फिर नहीं होगा चलो ध्यान रखना तो किसी को कोई डाउट है कोई कहता है मॉर्गन थियरी बताओ छोड़ो ना उसको चलो उसके ऊपर एक अलग वीडियो बना देता हूं ठीक है वो नहीं आता एग्जाम में कभी भी बहुत ही बड़ा है वो बहुत बड़ा है उसको बताने में कम से कम चालीस मिनट अकेले जाएंगे तो ठीक है मैं दिखा दूंगा ये ड्रॉप मत करो कोई भी अगर कोई भी ड्रॉप एमएसटी सी के लिए कर रहा है तो प्लीज बच्चों ड्रॉप मत करना ड्रॉप करना ही है तो जेई और नीट के लिए करो नो बड़ी इज गोइंग टू ड्रॉप दिस ईयर हेलो एवरी वन ड्रॉप लेना सबसे फालतूगिरी तो है फॉर एमएसटी सी टी यू आर गोइंग टू ड्रॉप नो ड्रॉप नहीं लेना है ड्रॉप कोई नहीं लेगा नो बड़ी टू टेक ड्रॉप क्या बोल रहा है लड़का सर मैंने आपको जीअप से डांट कराते हुए देखा आपने जैसे ही उसे रिंग दी मैं जाग गया अच्छा मैं रिंग ही नहीं दिया मेरी हाई नहीं ड्रिंग, रिंग किसको दूंगा कुछ भी बोलता है जब कोई रहेगी तब ना उसको रिंग दूंगा रिंग देने के लिए होनी चाहिए मतलब तेरा सपना रॉन्ग है बोलता है कि भैया जब आपने अपनी जीएब को रिंग दिया तो मेरा सपना था मैं देख रहा था उस सपने में अरे तुम्हारे जैसा तुम्हारा सपना भी फेक है अरे भाई जब मेरे को जिया भी नहीं तो रिंग किसको दूंगा अपने को पहनाऊंगा कुछ भी गुंडा बनता है <laughs> ठीक है चलो ठीक है वेटेज वाले चैप्टर ठीक है निशांत मैं कराता हूं चलेगा वैसे कल जो हम चैप्टर फोर शुरू करेंगे चैप्टर फोर का सबसे ज्यादा वेटेज है भाई चैप्टर फोर का सबसे ज्यादा वेटेज है सबसे ज्यादा वेटेज चैप्टर फोर का है गाइज आप सब मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो वहां पर भी मैं बहुत सारी डिटेल और आ, रील्स वगैरह के थ्रू बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें देता हूँ मैं डेली रील्स आजकल आज आजकल डाल रहा हूँ और उन रील्स को देखने के बाद तुम्हें एक एक मिनट की वीडियो से तुम्हें बहुत कुछ सीखने मिलेगा जैसे कि मैंने कल एक रील डाली भाई उस रील के अंदर मैंने ये बताया कि कैसे थर्टी फर्स्ट दिसंबर तक तुम्हारा सिलेबस ख़त्म होना चाहिए अगर सिलेबस खत्म नहीं होगा तो लफड़ा हो जाएगा फिर ठीक है ध्यान रखना अच्छे से चलो विशाल कहता है विशाल कहते सर कुंडी लगा लो सैया गाओ ना ये कौन सा गाना है भाई कुंडी लगा लो सैया हो होमोरोफोरोडे और इसमें क्या फर्क है क्या पूछ रहे हो साहिल हर होमोरोफोरोडे क्या होता है हरमा फ्रोडाइट रे भाई हरमा हरमा फ्रोडाइट हरमा फ्रोडाइट जिसको मेल और फीमेल सेक्स और दोनों सेम होते हैं शायरी राहली ना एक शायरी जी वर नहीं जी भी वी अपनाए रे पापा मजा चलो ठीक है अभी चलते हैं वाइस अभी आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं ठीक है बहुत ठंडी लगने लग गई भाई बंद करना पड़ेगा चलो ठीक है तो अब चलने का टाइम आ गया है ड्रॉप मत करो रियाज शेख ड्रॉप मतलब बाकी ले लो सी के लिए ड्रॉप लोगे तो क्लियर नहीं कर पाओगे क्यों क्योंकि इस साल पच्चीस परसेंट सिलेबस तुम्हें और पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इस साल हंड्रेड परसेंट सिलेबस पूरा है पच्चीस परसेंट सिलेबस बस नहीं है इस बार पूरा सिलेबस है बच्चों पहले साल कैफा था कि सिर्फ सेवेंटी सिलेबस पढ़ना था इस साल पूरा का पूरा सिलेबस है इस, इस साल ना पूरा का पूरा सिलेबस है इसलिए ड्रॉप लेना मतलब ये है ना कि ड्रॉप वो लोग लेते हैं जिनसे एंट्रेंस एग्जाम क्रैक नहीं होता देखो सब लोग ट्वेल्थ की पढ़ाई तो करते हैं लेकिन ट्वेल्थ के बाद कहीं एडमिशन तो मिलता नहीं है क्योंकि ट्वेल्थ के बाद एडमिशन मिलना मुश्किल है ट्वेल्थ के बाद एडमिशन इंजीनियर के लिए नहीं मिलता इंजीनियरिंग करना है तो एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती है ट्वेल्थ के बाद सिर्फ नॉर्मल डिग्री ले सकते हो तो इसके लिए जो लोग एंट्रेंस एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते तो इंजीनियर नहीं बन पाते तो फिर वो लोग सोचते कि मैं एक साल और रुक करके और फिर अच्छे से वापस पढ़ाई करूंगा तब जाके मेरा क्रैक होगा इसलिए वो लोग ड्रॉप लेते हैं तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि सीटी के लिए ड्रॉप मत लो सीटी इतना भी बड़ा एग्जाम नहीं है जितना जेई और नीट है अगर जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो और फिर ड्रॉप लेना है तो थोड़ा वर्दिट है बट सीटी के लिए प्लीज कोई भी ड्रॉप मत लो प्लीज इट्स हम्बल रिक्वेस्ट ठीक है चलो तो बच्चों प्लीज सभी लोग जाओ और इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारी रील वगैरह डालते रहता हूं मेरे इंस्टाग्राम की आई है मेरे को बताता हूं ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है जाओ सब लोग फॉलो मार लो ठीक है और इसी में तुम्हें सारा कंटेंट में देते रहता हूँ भाई और किसी को फॉलो मत मार लेना इंस्टा ही नहीं तो छोड़ो कोई बात नहीं चलो ठीक है इंस्टॉल भी मत करना अगर नहीं है तो इंस्टॉल मत करो रीड माय कमेंट हाँ बोलो ना क्या तुम्हारा कमेंट है इतने सारे आ रहे हैं लॉक टेबल भी वीडियो हाँ यार लॉक टेबल पर या शबाले में वीडियो बना रहा हूँ लॉक टेबल पर वीडियो बन चुकी है उसको बस अब अपलोड करना बाकी है

तो ठीक है ओके ठीक है सब लोग चाहते हैं कि मैं कल डाउट सेशन ले लूँ चलो क्योंकि अपने तीन चैप्टर खत्म हो गए यार तो अब डाउट सेशन तो बनता है यार तो कल डाउट सेशन ले लेता हूँ और फिर बाकी के लेक्चर शुरू करूंगा फिर से ठीक है चलो गाइज नो इशू टेंशन मत लो कोई भी मैं लेता हूँ ओके चलो तो बाय बाय टेक केयर लव यू अलॉट टेक केयर गाइज अब जल्दी तुम्हारे लिए टेस्ट सीरीज भी लाने वाला हूँ क्योंकि जैसे ही मेरा पांचवा चैप्टर पढ़ा के हो जाएगा तो टेस्ट सीरीज लेने वाला हूँ फिर एक एक चैप्टर के टेस्ट लूंगा और हाँ वो केमिस्ट्री के फ्लो चार्ट बन गया है उसको मैं एक दो दिन चार दिन में दे दूंगा और लॉक टेबल के ऊपर मैं अब काम करना शुरू करने वाला तो लॉक टेबल का एकदम धांसू तरीका बताऊंगा ठीक है जिससे बच्चों को लॉक टेबल भी आ जाएगा देखना तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम नहीं होगी <coughs> और हाँ मैराथन लेक्चर शुरू करूंगा डिसम्बर में याद रखना यार अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करो वीडियो यार तुम लोग केमिस्ट्री के लेक्चर में बैठते नहीं हो मैं देखता हूँ मुस्तफा सर इतने जी जान लगा के पढ़ाते हैं मुस्तफा सर के लेक्चर देखो कितना डिटेल में होता है देखा करो थोड़ा सा एक बार मुस्तफा सर चीफ मॉडरेटर हैं पेपर चेक करते हैं वो पूरे बोर्ड का रियलिटी में ध्यान रखो मैं क्या कह रहा हूं जो ठीक है चलो सो टेक केयर बाय बाय